अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन से मंदिर पहुंचा था गिद्ध और अब पहुंचे सांपों का झुंड देखकर लोग हुए हैरान। दोस्तों, जब से अयोध्या में राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई है तब से अयोध्या में ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिल रही है जिसे देखकर लोग भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर यह हो क्या रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर के पास के क्षेत्र में नागों का झुंड मिला है। यह नाग लगातार राम मंदिर की तरफ ही बढ़ रहे थे। सांपों की संख्या तकरीबन 90 बताई जा रही है। इससे पहले भी अयोध्या के राम मंदिर क्षेत्र के ऊपर बहुत सारे गिद्धों का झुंड मंडरा रहा था जिसे लोग जटायु के वंशज बता रहे थे। हैरानी तो यह होती है कि पहले गिद्ध फिर सांप फिर बंदर, न जाने अयोध्या में ऐसे कितने ही जानवर दिखाई दे रहे हैं जो किसी जमाने में श्री राम के दुलारे हुआ करते थे। इन सभी को देखकर अयोध्या के लोग तो बस एक ही बात कह रहे हैं कि यह सब जानवर श्री राम को मिलने आए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इस रिपोर्ट को पूरा जरूर देखें। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक एक कर वह सभी जानवर राम मंदिर के पास पहुंच रहे हैं जो कभी श्री राम के वनवास के दौरान उनके आसपास रहा करते थे। अयोध्या में पहले देखा गिद्धों का झुंड, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जनपद की सीमा में गिद्धों का झुंड दिखाई दिया। स्थानीय लोग इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं और बोल रही है कि जटायु श्री राम से मिलने आए हैं। दोस्तों, अयोध्या के पास ही मिल्कीपुर के जंगलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन अचानक गिद्ध का झुंड दिखाई देने लगा। हैरत की बात तो यह थी कि आज से कई साल तक गिद्ध यहां कभी नहीं देखे गए थे। यहां गिद्ध एक विलुप्त प्रजाति हो गए थे। पक्षी गिद्ध झुंड में ग्रामीण देखकर हैरान रह गए। हालांकि अब उस गांव से गिद्ध उड़ गए हैं लेकिन अयोध्या की सीमा में यहां वहां दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या में फिर मिला नागों का झुंड गिद्धों के मिलने के बाद सांपों का झुंड भी अयोध्या के पास के ही गांव में दिखा। यूपी के अंबेडकर नगर जिले के एक गांव में बड़ी संख्या में जहरीले सांपों का झुंड मिलने से ग्रामीण दहशत में आ गए थे। सांपों का समूह घर के अंदर रखे एक मिट्टी के बर्तन में मिले। सांपों की संख्या तकरीबन 90 थी। हैरानी की बात तो यह थी कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही यह सांप इतने बड़े झुंड में वहां कैसे आ गए। उसके बाद अयोध्या में आए बंदर दोस्तों वानर प्रजाति श्री राम के सबसे करीब थी। हनुमान जी भी वानर प्रजाति के ही थे और राम मंदिर बने और वहां बंदर ना पहुंचे, ऐसा तो लगभग नामुमकिन है। राम मंदिर बनने के दौरान वेनरू की सेवा भी काफी करीब देखी थी। राम मंदिर बनाने वाले मजदूर और आस पड़ोस के ग्रामीण भी बंदरों से काफी परेशान हो गए थे। हर रोज लगातार बंदर राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र में दिखाई देने लगे हैं। राम मंदिर बना रहे मजदूर और लोग बंदरों को भाग भी नहीं रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि यह हनुमान के वंशज है। इन्हीं में से कोई बंदर हनुमान बनाकर श्री राम से मिलने आया है। दोस्तों, इस तरह की घटना साफ साफ बता रही है कि कुछ अलग जरूर है। यह कोई चमत्कार ही है कि वह सभी जानवर जो रामचरितमानस में आदर्श गए हैं वह एक एक कर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले दर्शन करने राम मंदिर पहुंच रहे हैं। दोस्तों, अगर आप राम मंदिर बनने से खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।